क्या बोलते हैं तो लिख लीजिए। अच्छा, नीचे से मेरा बर्तन कर जाना है कल। ओ इस क्या बोलते हैं मैडम को दिए हैं जो। अच्छा दूसरी बात, उजला प्लेट नहीं ना मिला आपके घर से? प्लेट ही कटोरी बोल कटोरी ही। जरा देखिए उसका स्टेट का है, दूसरे जगह देवी की है। जरा अपना बर्तन तो हटा के देख लीजिए। आज सुनिए ना, कल हमको तो छोड़ना है आपको। कितना बजे कल? 6:30 में निकलेंगे। 6:30 शाम की राह है। शाम उधर से आप शेयर वाला आपको मिल जाएगा। उधर से शेयर वाला आपको मिल जाता है आपको 5 हटिया के लिए। फिर वहाँ से ऑटो 50 रुपये हम करके आ जाएगा, हम दे देंगे पैसे। शेयर वाला ऑटो हटिया, फिर उधर से हमको यहाँ पैदल 50 रुपया ऑटो करके दे देंगे। हम आपको भाड़ा सब जोड़ के देंगे, 5 रुपया देंगे और अलग से। इतना दिन काम के हम कुछ दिए नहीं। इधर से जैसे जाएंगे इधर से जाएंगे, इधर से तो हम लोग ऑटो करके जाएंगे। ऑटो करके इधर से तो ऑटो रिजर्व करके जाएंगे। ऑटो रिजर्व रूम में नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं। कहेंगे छोड़ यही चढ़ा देंगे, कूली ले लेंगे। चूँकि हम लोग चले जाएंगे, खाली अटैची है, टैली है डुगरा के, लेकिन वो सब सीट के नीचे आराम से रख देता है सर, इसलिए कूली लेना पड़ेगा। तो हम देखिए, हम बता रहे हैं कूली जो है ना, जहाँ पर ट्रेन पे चढ़ाना होगा ना कूली, आप वहाँ पे लीजिए। वो नहीं ना वैसे मिलेगा आपको है? वो तो हम लोग अटैची जैसा कि डुगरा के ले जाएंगे, हम भी ले जाएंगे दोनों। हाँ। लेकिन ट्रेन पर सीट के नीचे उचे रखना होता है ना, रांची से आता है और भीड़ सबको अपना अपना सामान डाल देता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हम लोग जो है ना, जैसे उतरे इसे स्टेशन पे यहाँ से टेम्पो से, तो यहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म तक, प्लेटफॉर्म तक हम लोग ले जाएंगे। नहीं मिलेगा वैसे, वही नहीं लेता है सब। यहाँ से ले जाके उसका जिम्मेदारी रहता है कि गाड़ी आएगा तो उस सीट के नीचे सामान ज्यादा नहीं है। तो हमको कूली यहीं से बुक करना पड़ेगा, ये स्टेशन गेट से स्टेशन मिल जाता है। 160 सब लेगा और क्या, क्योंकि वो सामान ज्यादा नहीं, हम ले जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि वो सब एडजस्ट कर देता है कि वो लोग का सामान इतना राती से गाड़ी आता है तो सबको क्या भरा रहता है सामान। मेरा नीचे वाला बर्थ है लेकिन फिर भी भर देता है आदमी, तो उसको कैसे कैसे करके रख देता है, वो एडजस्ट कर देता है वो कूली। थोड़ा सा पैसा के लोग का आइडिया रहता है, आइडिया रहता है, घसका घसका के टेल देगा एकदम। अब वैसे आप खोजते रहिएगा, ट्रेन 5 मिनट रुकता है उतना में उतरना आपको, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। नहीं वही हम कह रहे थे कि कूली में जो सामान एडजस्ट करेगा, जैसे ट्रेन में बोगी में एडजस्ट करने के लिए हम लोग कूली वहाँ से ले लेंगे। नहीं स्टेशन पर मिलता है ना। अच्छा ये अंदर में नहीं मिलेगा? नहीं जब तक बाहर ही से ले। अच्छा बाहर से ही आपको लेना पड़ेगा। हाँ अब हमको 3B में है तो जहाँ सीट रहेगा कौन रहेगा वो घूम के आ जाएगा और चढ़ाने के लिए। पैसा पहले नहीं लेता है, अब 100-150 ले कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात कि हम कल पैसा आएंगे सुबह में तो मेंटेनेंस का पैसा दे के जाएंगे और मिस्त्री से बात करके जाएंगे, कर लेंगे कि मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं और इसको उज्जवल को लेके जा रहे हैं स्टेशन। उधर से आप बता देते हैं शेयर वाला बोल लीजिएगा, बहुत सारा ऑटो शेयर वाला रहता है। देखिए इधर उधर से शेयर वाला आएंगे ना तो 5 हटिया फिर बोल दीजिएगा आता है 5 हटिया तक। शाम में जाएंगे ना, शाम बहुत अधिकांश ऑटो मिलता नहीं है, मैंने जितना ट्रेन आता जाता है मिल भी नहीं करता है अधिकांश। आप तो हम लोग 50 बार आते जाते हैं, बहुत कम। तो उधर से आप आज समय कितना भाड़ा दिए? जितना ऑटो का होगा 100 रुपया दे देंगे। 100 रुपया ना? 35 से 100 रुपया ना? हाँ देखिए हम बाइक से जाएंगे, हम बाइक से जाएंगे और टेंशन डर लगता है ना। मान लो अकेले जाते हैं बाइक में कुछ हो जाएगा तो हमारा रेडी। आप बताइए, हम ये वाला काम छोड़े हुए थे तो बाइक से पता है कहाँ जाते थे? 100-100 किलोमीटर दूर, उससे कई बंगाल बॉर्डर तक जाते थे, को बहुत छोड़े हुए थे उस समय, बहुत दूर दूर। तो ठीक है रिक्स आप लीजिए, मेरा रिक्स नहीं है। वो मेरा रिक्स है, वो तो आइए हम क्या नहीं जाते हैं क्या? मैडम को लाने जाते, शारदा मैडम को वहाँ से लाने जाते हैं। ठीक है तो हम 100 रुपया दे देंगे आपको, 500 और देंगे आपको, इतना दिन रहे। ठीक है हम आते तो कल ही साफ करेंगे। हम तो पैसा नहीं था, पूछ रहे हैं कहाँ जा, उसको ये भी दे दिया, उसके छोटा भाई को बोला के पास आओ दे दिया, दिमाग में नहीं था मेरा।